हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर वन फ्रॉम योर एम्प्टी बुक. चैप्टर वन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैंडलिंग पीयर प्रेशर, राइट. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें अपने जो फ्रेंड सर्कल्स है उसको उनके द्वारा जो हमें प्रेशर मिलता है किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्ट के लिए, उसको किस तरह से हमें हैंडल करना है, राइट. सो इस स्टोरी से आपको जो भी मॉरल मिलता है आपको उसको अच्छे से समझना है, उसको सीखना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. और लाइट स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कोट लिखा हुआ है, दैट इज़ एसोसिएट योरसेल्फ विद मेन ऑफ गुड क्वालिटी इफ़ यू एस्टीम योर ओन रेपुटेशन फॉर इट इज़ बेटर टू बी अलोन दैन इन बैड कंपनी. इस कोट का मतलब क्या है कि आप लोग, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को अच्छे लोगों की कंपनी में रखना चाहिए. मतलब ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए या ऐसे लोगों के साथ उतना बैठना करना चाहिए जो क्या हो, अच्छे हो. अगर आप अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बेहतर है कि आप अकेले रहें इसके बजाय कि आप बुरे लोगों की संगत में हो, राइट. तो इस चैप्टर में हम इसी बात से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं और एक में कुछ छोटे बच्चे हैं और दूसरे में बड़े लोगों का ग्रुप दिया हुआ है. जैसे आप अभी छोटे हो तो आपका एक सर्कल है, फिर आप बड़े हो जाओगे धीरे धीरे तो आपका एक फ्रेंड सर्कल डिफरेंट होगा. तो वी नोटिस दैट पीपल हैव फन विद अदर पीपल ऑफ देयर सेम एज ग्रुप. मतलब जो जिसके साथ जिस एज का होता है, अब जैसे मैं, मेरे दोस्त मेरे साथ, मेरी फ्रेंड्स जो है वो मेरी एज ग्रुप की है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप के हैं. तो जो हमारा इंट्रैक्शन होता है हमारे दोस्तों के साथ वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट. वो हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी आगे की, हमारे नेचर पे, हमारी लाइफ पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस डालता है, राइट. तो अब हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे. द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु रेजिस्ट पीयर प्रेशर. मतलब पीर किसको कहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, उनको हम पीर भी कहते हैं. तो एक लड़के की कहानी है जिसने क्या किया, जो पीर प्रेशर था उसको, मतलब अपने दोस्तों के तरफ से जो उसको प्रेशराइज किया जा रहा था उसको किस तरह से उसने रेजिस्ट किया. रेजिस्ट करने का मतलब कि कैसे उसको उसने रोका और एक अच्छे तरह से उनको उसका एक रिज़ल्ट निकाला, ठीक है. तो हम स्टोरी रीड करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को उसको सुनना है और समझना है. आरव हैड जॉइन अ प्रेस्टीजियस कॉलेज ऑन हिज ओन मेरिट. तो आरव कौन है, आरव एक बच्चा है एंड उसने क्या किया, उसने अपनी मेरिट के बेस पे, मेरिट के बेस का मतलब क्या है, मेरिट का मतलब क्या है कि जैसे जो बच्चे अच्छे होते हैं, आपका जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको अच्छे एडमिशन्स मिलते हैं. तो आरव ने एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया अपने स्कोर कार्ड के बेस पे, अपने मार्क्स के बेस पे. ही वॉज वेरी कीन टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन कॉलेज. और उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपना ज़्यादातर जो समय है वो कहाँ स्पेंड करें, कॉलेज में स्पेंड करें. वेन एवर देयर वॉज टाइम एट हैंड, मतलब जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था, ही वुड सिट इन द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में बैठता था और रीड एट द कॉलेज कैंटीन. और कैंटीन में भी क्या करता था, उस टाइम को यूटिलाइज करता था पढ़ाई करने में, कुछ स्टडी करने में. अ ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड इन हिज क्लास फेल्ट दैट कॉलेज वॉज अ टाइम टू एंजॉय द लाइफ. अब उनके जो आरफ के साथ के बच्चे थे वो क्या सोचते थे कि कॉलेज का मतलब है कि ये टाइम है जहाँ पे हमें एंजॉय करना है. सो दे वुड ऑफन बंक क्लासेस, वो क्लासेस छोड़ते थे, राइड टू द शॉपिंग मॉल्स, बाहर घूमने निकल जाते थे और अपना समय क्या करते थे, बर्बाद करते थे. दे यूज़ टू परसुएड आरव, वो आरव को भी उकसाते थे, परसू करते थे कि तुम भी मेरे साथ क्या करो, तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करो. तो वो जो उनके फ्रेंड्स थे, क्लासमेट थे, वो आरव को भी उकसाते थे कि आरव तुम भी हमारे साथ चलो और इन्जॉय करो. वेन ही डिडेंट गिव अप इन दे स्टार्टेड मॉकिंग हिम. फिर जब उसने, आरव ने उन लोगों का साथ नहीं दिया, वो अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू करता रहा, तो उन लोगों ने क्या किया, आरव को परेशान करना, टीज करना, मॉक करना और डिफरेंट डिफरेंट नेम से आरव को चिढ़ाना शुरू कर दिया.
हाँ, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये तो बहुत अजीब सी बात है कि इस एज में इस वक्त बच्चे मतलब उसे घूमना फिरना चाहिए, एंड व्हाट ही इज़ डूइंग ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम. सो बट ही न्यू, लेकिन आरफ को क्या पता था दैट आरफ क्या है, वो सही बात पे चल रहा है. सो ही वॉज ऑलवेज पोलाइट विद देम. सो वो जब भी मजाक उड़ाते थे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे, तो वो क्या कहता था, वो हमेशा पोलाइट रहता था विद देम एंड टोल्ड देम फॉर्मली दैट ही बिलीव दैट दिस वॉज द ओनली टाइम दे हैव टू कार्व अ फ्यूचर फॉर देम. और यहाँ तक कि आरफ ने उन लोगों को भी समझाया कि ये जो टाइम है ये कैसा टाइम है, इस वक्त आप सबको क्या करना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, और अगर ये टाइम आपके हाथ से चला गया तो फिर कभी भी वक्त वापस नहीं आएगा. इफ़ दे मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी दे वुड नॉट गेट अहेड इन लाइफ. आफ्टर वाइल दिस ग्रुप अराउंड एंड स्टार्टेड टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़. और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो आरफ के फ्रेंड्स थे वो भी इस बात को समझ गए और वो भी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लेने लगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए. जो टाइम हमारे पास आज है वो टाइम हमारे लिए, वो टाइम हमारा क्या है, वो टाइम हमारी पढ़ाई के लिए है, वो टाइम हमारा बहुत प्रेशियस है. हमें अभी अपने करियर में क्या हमें आगे जाके बनना है, क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है. और अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं करेंगे और अपना वक्त बर्बाद करेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम आप सब लोग अपने घर में हैं, तो आप सबको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना है. आपको समझना है कि ये वक्त आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके कुछ आंसर्स डिस्कस करेंगे. व्हाई डिड द ग्रुप ऑफ फ्रेंड थिंक डिफरेंटली ऑफ आरफ? तो वो क्यों डिफरेंटली थिंक करते थे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेके इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है. ठीक है, देखिए, बच्चा जो खेल कूद में लगा हुआ है, गेम्स खेल रहा है, ध्यान पढ़ाई में उसका नहीं है, तभी वो है. और आरफ क्या था, आरफ एक मेरिटेरियस स्टूडेंट था, उसको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था इन कंपैरिजन विद ऑल दिस थिंग, राइट? तो इसलिए उन दोनों की सोच क्या थी, डिफरेंट थी. How would you have reacted? अगर आप आरफ की जगह पे होते तो आप क्या करते बच्चों? तो ये आप सिचुएशन में अपने आप को ढालिए और सोचिए कि अगर यही चीज़ आपके साथ होती तो क्या आप आरफ की तरह रिस्पॉन्स करते, या क्या करते, अपने दोस्तों के भड़काने पर, उनके बुलाने पे, उनके उकसाने पे, उनके साथ पढ़ाई छोड़ करके घूमने चले जाते, राइट? फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें, जैसे हमारे फ्रेंड्स अगर हमें किसी गलत चीज़ की तरफ उकसाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाई के वक्त खेलने की बात हो या कोई और गलत काम हो, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सही चीज़ें क्या हैं. हमें अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए. हमें ये समझना चाहिए कि सही और गलत क्या है, और उस हिसाब से हमको फैसले करने चाहिए, राइट? अब देखिए आगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है पीयर प्रेशर के. अब जैसे हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं, ये तो एक नेगेटिव चीज़ हो गई कि हमारा फ्रेंड सर्कल हमें पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, ये वो. लेकिन पीर के, फ्रेंड्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो होते हैं. अब वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? ड्यूरिंग स्कूल डेज वी मे गो थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज एज वी फेस चैलेंजेस मैनी टाइम बी मैनी टाइम वी कुड बी इन अ डिलेमा एज वी ट्राई टू फिगर आउट वॉट इज़ गुड फॉर अस, वॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, एंड वॉट वी वुड लाइक टू बी इन लाइफ. अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या फ़ैसले करने चाहिए, तो उस वक्त जो हमारे दोस्त हैं, हम उनसे सलाह ले सकते हैं, अपने अच्छे दोस्तों से जो हमारे गुड फ्रेंड्स हैं उनसे हम पॉजिटिव एडवाइस ले सकते हैं. तो उनके अच्छे, जब आपके दोस्त अच्छे होंगे तभी तो वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे ना. तो इसीलिए हमेशा कहते हैं अपने दोस्त को बहुत ध्यान से वाइजली चूज़ करना चाहिए कि आपका फ्रेंड कौन है, राइट? तो इस सिचुएशन में जैसे अगर आप कभी निराश हो तो आपके दोस्त आपको इनकरेज कर सकते हैं. ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम पीर इनकरेज अस टू वर्क हार्ड, हेल्प अस विद आर स्टडीज एंड एम्फसाइज विद अस. तो जैसे कोई मुश्किल समय में मेरे फ्रेंड है, मेरी कोई सहेली है, वो मुझे क्या करेगी, वो मुझे मोटिवेट करेगी कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट? फिर दूसरा है,
करेक्ट एडवाइस एंड काउंसलिंग, और सही एडवाइस देना और काउंसिल करना। नॉट ओनली टीचर्स और पेरेंट एक्ट एज अ काउंसलर, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके टीचर्स या आपके माँ बाप ही आपको काउंसिल करें, कभी कभी हमारे अच्छे फ्रेंड भी हमें किसी बात पे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, हमें काउंसिल कर सकते हैं, हमें गलत कुछ काम करने से रोक सकते हैं और अच्छी सलाह दे सकते हैं, राइट। सो हमारे पीर्स जो हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें अच्छी एडवाइस और काउंसलिंग भी कर सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, अब देखिए, सेटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, हैविंग फ्रेंड्स हु आर गुड एट स्पोर्ट्स स्टडीज एंड वेल बिहेव इज एन एसेट। मतलब कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो किसी काम में बहुत अच्छा हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, तो आप उससे उदाहरण ले सकते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड देखो इतना अच्छा है, तो आप उसको देख के अपने आप में भी वो एनर्जीज लेके आइए कि आपने भी उससे अच्छा बनना है, आपको भी उसके जैसा बनना है, उससे भी अच्छा बनना है, क्योंकि आपके अंदर भी वो काबिलियत है, आप भी उतने अच्छे हो सकते हो। तो वो आपके रोल मॉडल बन सकते हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको देख के गोल ओरिएंटेड हो सकते हो। इवन पीयर्स इन मूवी एंड टीवी सीरियल्स, यहाँ तक कि जो लोगों को आप टीवी सीरियल्स में जो आप एक्टर्स होते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं टीवी सीरियल में लोग होते हैं, उनको भी आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी मे गेट इन्फ्लुएंस टू प्ले टेनिस व्हेन वी सी समवन आर एज प्ले वर्ल्ड टेनिस इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो मतलब जो आपके साथी हैं, जो आपके हम उम्र हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, या जो आपके साथ के लोग हैं, उनके साथ आप उनको देख के मोटिवेट हो के उनको एज अ अपना आइडियल समझ के, अपना रोल मॉडल समझ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, आगे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ग्रेट फ्रेंड अमंग्स आर क्लासमेट्स वी कैन बॉन्ड विद सम जेन्यूनली केयरिंग पीपल हु बिकम फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। और बहुत से ऐसे भी दोस्त होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे लिए ज़िंदगी भर के साथ बन जाते हैं। हमारे बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन से क्या होता है, इतने अच्छे होते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं। देन प्रोवाइडिंग अ चैलेंज, फ्रेंड्स हु एक्सेल एट स्पोर्ट्स स्टडीज़ और मेनी अदर एक्टिविटी कैन प्रोवाइड अस द चैलेंज विच इज़ नीडेड टू डू वेल इन लाइफ। और जब आपके ऐसे कोई फ्रेंड होंगे जो बहुत अच्छे किसी चीज़ में होंगे, तो वो आपको भी चैलेंज प्रोवाइड करेंगे कि आप भी उन जैसे उनसे अच्छे बन के दिखाइए। और लाइक, तो ये सारे हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हमने पीयर प्रेशर के बारे में डिस्कस करे। अब कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं पीयर प्रेशर के, जो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम सम अप करेंगे इस वीडियो को। निगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर कैन बी बोथ गुड एंड बैड फॉर अस। मतलब दोनों तरह से हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इट एक्ट्स इन अ निगेटिव वे व्हेन वी कॉपी और इम्बाइब रॉन्ग हैबिट्स फ्रॉम सर्टेन फ्रेंड्स। मतलब बुरा कब होगा, जब हम किसी की बुरी आदतों को इम्बाइब करेंगे। इम्बाइब करना मतलब अपने अंदर उसको ढालना। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी इवन अ casual attitude to exams, bunking, classes, smoking, telling lie and even shoplifting। मतलब कोई भी बुरी आदत, चाहे वो क्लासेस को बंक करना, पढ़ाई ना करना, बुरा एटीट्यूड, बुरी आदतें, बदतमीज़ी करना, स्मोकिंग करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों से सीख रहे हो अगर, तो वो क्या है, वो निगेटिव इम्पैक्ट है, निगेटिव इन्फ्लुएंस है। इन सच केसेस, अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू डू इन सच केसेस वन ट्राइड्स टू डू रॉन्ग थिंग बिकॉज द एंटायर ग्रुप इज़ डूइंग। ऐसा में क्या होता है कि अगर सारा ग्रुप ख़राब है, बुरा है, तो दूसरा भी जो पर्सन उसमें है वो भी गलत चीज़ें करेगा। इट इज़ लाइक अ हर्ड मेंटालिटी। पीपल हु कैन नॉट रेजिस्ट पीयर प्रेशर आर अ लिटिल वीक ऑन देयर विल पावर एंड इवन सेल्फ रेस्पेक्ट। और ऐसे लोग जो गलत देख के गलत काम करते हैं, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट लूज़ कर रहे होते हैं। But then there are others who have very strong willpower and their own principles even at the young age. मतलब जो बच्चे जैसे किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उनकी गलत बात को डिनाई नहीं कर पाते हैं, वो क्या हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़
कमज़ोर है, उनका विल पावर कमज़ोर है। लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे आरव ने देखिए क्या किया, अपने दोस्तों के साथ वो घूमने नहीं निकल गया बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी समझाया। तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, जिनका विल पावर बहुत मजबूत है, जिनके अपने खुद के कुछ एथिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल है कि उनको उस पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। These people believe in themselves, ऐसे बच्चे अपने आप पे भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं, कुछ अच्छा बन के दिखाते हैं, राइट? सो वी कैन मेक पीयर प्रेशर वर्क फॉर अस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और हम जो पीयर प्रेशर है, जो भी हमारे साथ के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, उनका जो प्रेशर है हमारे पर, उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे इफ़ समवन इज़ बेटर देन अस इन मैथ्स, सो वी कैन ट्राई टू टेक हिज इन हेल्प। अगर कोई आपसे मैथ्स में अच्छा है तो आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे मदद लो, आप उससे सीखो। इन रिटर्न वी कैन ऑफर टू टीच हिम हर समथिंग दैट वी आर गुड एट। और आप क्या कर सकते हो, उसके बदले में उसको कुछ सिखा सकते हो जो आपके अंदर अच्छाई हो, राइट? देन देर आर पीपल हु ट्राई टू बूस्ट देयर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बाई शोइंग ऑफ देयर मटेरियलिस्टिक थिंग। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों का दिखावा करते हैं। दे फील दैट दे वुड बी एबल टू इम्प्रेस अदर विद देयर एक्सपेंसिव गॉगल्स, अपनी महंगे महंगे टॉयज, अपने कपड़े, अपनी महंगी महंगी किताब, मीन्स अपनी चीज़ों से, गिफ्ट्स जो उनके पेरेंट्स ने दिए हों, चाहे फ़ोन हो। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अच्छे बच्चे हैं? इन फैक्ट व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट परेडिंग द रिचीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इफ़ इट इज़ योर सेल्फ एस्टीम दैट यू आर ट्राइंग टू बूस्ट, देन लेट इट बी, बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स एंड नॉट योर पेरेंट्स। वन शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाई सच फ्रेंड। और ऐसे बच्चों से हमें क्या, जैसे जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, उनसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, हमें उनकी चीज़ें देख के जल मीन्स बुरा नहीं फील करना है। क्योंकि वट दे आर डूइंग, वो सिर्फ वो चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दी हैं, राइट? उन्होंने उन चीज़ों को गेन नहीं किया है। हमें कैसा बनना है, हमें वो बच्चा बनना है, हमें वो चाइल्ड बनना है जो खुद से अपनी चीज़ों को बना सके, अपना करियर अच्छा बना सके और अपने लिए सारी चीज़ें और अपने पेरेंट्स के लिए अवेलेबल कर सके, राइट? तो हमें इस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस होना है, इन ऐसे लोगों से जो शो ऑफ करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, हाउ वी कैन स्टे अवे फ्रॉम द पीयर प्रेशर। तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी, अलग अलग तरह से हम पीयर प्रेशर से अपने आप को दूर कर सकते हैं और उससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, उसको हम इम्बाइब कर सकते हैं और जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम लोग हैंडलिंग निगेटिव प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी हमारा इसके आगे का चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।